नमस्कार आमी सर्बाणी आमार सहजे सुस्वादु चैनेले आपनाके स्वागत। आमार आजकेर रेसिपि पालक पनीर। पालक पनीरेर दुटो रेसिपि आज आमी आपनादेर संगे शेयर करते चलेछि। दुटोई असाधारण लागे खेते। एबार आपनि चूज करे देखुन जे आपनार काछे कोन रेसिपिटा बेशी भालो लागे। पालंग शाक एतटाई उपकारी एकटी शाक जे जाके किना सुपार फूड बोला हुए थाके। 3 आटी पालंग शाक नियेछि, 800 ग्राम पालंग शाक होयेछे ताते। जोदियो आमार एई शाकटा भीषण कोची डाटा सहई नेওয়া যায়, तबुओ बोझाबार सुविधार्थे शुधु पातागुलोई निচ্ছি, डाटाटा बाद दिये दिलाम। विशेष करे कोची पालंग शाक माटिर साथे मिशे थाके प्राय, ताई भीषण माटी नोंगरा थाके। खूब भालोभाबे टाबे दिए हाथ दिए नेड़े नेड़े उछिए तुले निते हबे आलगा भावे। एई भावे 3 থেকে 4 बार धुए निते हबे। एकटा बोले जल गरम बसिएछि, जलटा फुटे ओठार साथे साथेई शाकटा दिए दिते हबे। दिए नाड़िए निए एदिके बरफ जल रेडी करे रखते हबे। गरम जल थेके तुलेई बरफ जले दीते हबे, ना होले शाकटा निजे थेके ठंडा होते होते जे गरम तापटा थाकबे तातेई शाकटा बेशी सिद्ध होये जाबे। एते करे स्वाद एवं गंध रंग सबटाई खराब होये जाबे पालक पनीरेर। एकटा मिक्सार ग्राइंडार जारे दिए पालंग शाकटाके एकदम स्मूथ पेस्ट तैरी करे रेखे दीते हबे। एखाने पनीर नियेछि आमी 800 ग्राम। एटा दिए दुटो रेसिपि तैरी करब। एटाके चौको करे केटे निते हबे, तबे आमी एकटू बड़ो साइजेई केटेछि जाते करे भिडियोते देखते भालो लागे। एकटू छोटो छोटो टुकरोतेई स्वादटा किन्तु आमार काछे बेशी भालो लागे। जस्ट এই টুকরোটার হাফ করে নিলে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে আমার কাছে। একটা সসপ্যানে সামান্য নুন দিয়ে জলটা হালকা গরম করেই পনিরটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। দিয়েই সাথে সাথে নাড়িয়ে নিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এর ফলে পনিরের ভেতরকার নোংরা জার্ম এগুলো সব চলে যাবে। एबार आसुन प्रथम रेसिपिटा तैरी करे फेली। 2 टेबिल चामच सादा तेल, तार मध्य 1 टेबिल चामच घी। तेलेर ओपर घीटा छाड़ते हय, ना होले किन्तु घीटा पुड़े ओठे, धोआ उठे जाए। 2টো बड़ो साइजेर पेंयाज राफली केटे नेওয়া হয়েছে, 10টা रसुन और 10 ग्राम आदा। एटाके हालका जस्ट काचा गंधटा चले जावार साथे साथे नामिए ठंडा करते दीते हबे। एदिके पनीरटा एटातेओ सामान्य नून एवं हलुद दिए दीते हबे। हलुदेर परिमाण 1/4 चा चामच नियेछि। खूब बेशी हलुद देब ना, ताते करे स्वाद गंध दुटोई नष्ट हबे। एबार कड़ाईते आबार 2 टेबिल चामच सादा तेल, तार मध्य आबारो सेई एकी भावे 1 टेबिल चामच घी दिए एके एके पनीरगुलोके साजिए दीते हबे। साजिए दिएई एपिट ओपिट करेई साथे साथे नामिए निते हबे। पनीरटा किन्तु फ्राई करा चलबे ना, पनीरेर काचा गन्धटा खाली चले जाबे। एई अवस्थाय नामिए निते हबे। बेशी भाजा हुए गेले किन्तु पनीरटा शक्त हुए जाबे, एकदम खेते भालो लागबे ना। पनीर भेजे नेওয়ার पर तेलेर मध्य किछु पनीरेर टुकरो रयेছে, एटाके छेके निচ্ছি, ना होले पुड़े जाबे तेलटा। 2 टेबिल चामच सादा तेल और तार मध्य 1 टेबिल चामच घी। पनीर भाजार तेलटा दिए 1 चा चामच जिरे, 1.5 चा चामच जिरे गुँड़ो, लंकार गुड़ो 1 चा चामच। भालोभाबे तेलेर मध्य लो फ्लेमे रेखे फ्राई करते हबे। पेंयाज आदा रसुन भाजाटा ठंडा हुए गेছে, एबार एकटा ग्राइंडार जारे दिए स्मूथ पेस्ट तैरी करे एई तेलेर मध्य दिए दीते हबे। भालोभाबे कषे निते हबे। आँचटा जेन अवश्य लो टू मीडियम फ्लेमे थाके। एबार देखुन 1/4 कप दई फेटिए दिए दिलाम। टमेटो देवा हुए थाके साधारणत पालक पनीरे, किन्तु दई दिले स्वादटा आरेकटु अन्य रकम हय। पालंग शाकेर कष भावटा काटानोर जोन्नो 1 चा चामच चीनी, 1 कप पालंग शाके 250 मिलीग्राम क्यालसियाम थाके। हाफ चा चामच गरम मशलार गुड़ो। पालंग शाके क्यालसियामेर साथे साथे मैगनेशियामो रयेछे। এই দুটো একসাথে থাকলে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনটা খুব ভালো হয়। এর জন্য কিন্তু আমাদের হাড় মজবুত করে। পালং পেস্টটা দিয়ে মশলার সাথে মিশিয়েই নুন স্বাদ অনুযায়ী এখানে আমি 1.5 চা চামচ দিয়েছি, দিয়ে সেই ভেজে নেওয়া পনিরটাও অ্যাড করে দিতে হবে। ভাজা মশলাটার সঙ্গে শাকটাকে মিক্স করেই সাথে সাথে ফ্রাই করা পনিরটাও দিয়ে দিতে হবে। এবার 1 কাপ দুধ এর মধ্যে অ্যাড করতে হবে। দুধটা দিলে ভীষণ সুন্দর একটা হোয়াইট গ্রেভি তৈরি হয় আর খেতেও বড্ড সুস্বাদু লাগে। 1 চা চামচ কাসুরি মেথি 1 মিনিট রোস্ট করে দু হাতে রগড়ে মিশিয়ে দিতে হবে। 100 গ্রাম র পালং শাকে 2.7 mg আয়রন থাকে, সেই কারণে যারা আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছেন তাদের জন্য ভীষণ ভালো। 2 টেবিল চামচ মাখন, 1 টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম। ফ্রেশ ক্রিম না থাকলে দুধের সর বেটেও দিতে পারেন। ফ্লেমটা অফ করে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইম রেখে সার্ভ করে নিন। এবার আসুন পালক পনিরের সেকেন্ড রেসিপি তৈরি করে ফেলি। এটা রান্নার পদ্ধতিটাও সম্পূর্ণ আলাদা। 1 টেবিল চামচ সাদা তেল, रिफाइन तेलर बदले तिल तेल बा बादाम तेल आमी व्यवहार करे थाकी। बाटार सब समय तेलेर ओपर दीते हय, ना होले पुड़े ओठे। 1 चा चामच, हाफ चा चामच गोटा जिरे, पेंयाज एकटा छोटो कुचिए निये सेटा दिए 5 कोया रसुन कुचि दिए, रसुनटा एकटु बेशी होले पालक पनिरटा बेश भालो लागे। आदा कुचि, हाफ चा चामच। मीडियम साइजेर टमेटोर थेके अर्धेकटा कुचिए देवा। मीडियम फ्लेमे रेखे 4 मिनिट एटाके भेजे निते हबे। जिरे गुड़ो हाफ चा चामच, हलुद 1/4 चा चामच, गरम मशलार गुड़ो 1/4 चा चामच, सबटा मिशिए दिए शुकनो लंकार गुड़ो 1/4 चा चामच, काश्मीरी लंकार गुड़ो 1/4 चा चामच, नून जले भापिए रखा पनिर 200 ग्राम। एबार ए पनीरटा दिएई हाता बा स्मैशार दिए स्मैश करे दीते हबे। बेश किछु बछर आगे काश्मीर बेड़ाते गिएछिलाम, सेखाने एकजन रिनाउंड शेफेर हाते एटा खेये एतो भालो लेगेछिलो जे रेसिपिटा निये एसेछिलाम। पनीरटाके घेटे मशलार साथे मिशिए दिए हाफ कप पालंग पिउरिटा एड करते हबे। যেই পিউরিটা আগে তৈরি করে রেখেছিলাম পালং শাকের, সেখান থেকে হাফ কাপ সরিয়ে রেখেছিলাম। নুন স্বাদ অনুযায়ী আর 1/4 কাপ দুধ, সেই কাসুরি মেথি অ্যাড করে এবার একটু জায়ফলকে সামান্য 2-3টে ঘষা দিলে যেটুকু বেরোবে সেইটুকু দিয়ে 1/4 চা চামচ চিনি, 1 টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করে দিতে হবে। এইভাবে পালক পনির তৈরি করলে তার স্বাদটা একদম অনবদ্য হয়। পালং শাক আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, খুব লো ক্যালোরি, যার ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, ব্লাড প্রেশারকে নিয়ন্ত্রণ করে হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক কমায়। আপনিও ঠিক এমনি করে তৈরি করে খান আর আপনার ভালো লাগাটা অবশ্যই আমাকে জানান। ভীষণ কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি, আপনি ভালোবেসে আমার রেসিপিগুলো দেখছেন, লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করছেন। ধন্যবাদ।